बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने नॉर्मलाइजेशन के फर्स्ट स्टेप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द सेकंड नॉर्मल फॉर्म द टेबल मस्ट बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट एनिट। और ये इसका सेकेंड रूल देखिए, एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द फुल सेट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स, और There is no partial dependency present in the second normal form table. तो दोस्तों, अगर हम इसके first rule की बात करें कि the table must be present in the first NF, यानी rule number one के मुताबिक table का हमेशा first normal form में होना जरूरी है। और दोस्तों, पिछले lecture में हमने first normal form में table को convert करना निहायत ही detail में सीखा था। तो अब आइए rule number two की बात करते हैं। और according to the rule number two, जो टेबल आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद हासिल हुआ है उसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक टेबल में मौजूद नॉन की एट्रीब्यूट्स फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए उस टेबल के की एट्रीब्यूट्स पर। तो दोस्तों, यहाँ हमारे पास जो नया कॉन्सेप्ट आया है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज और पार्शियल डिपेंडेंसीज का। और जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, हम अपने टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, फंक्शनल डिपेंडेंसी से मुराद है कि जब एक टेबल का एक एट्रीब्यूट उस टेबल के दूसरे एट्रीब्यूट्स को यूनिकली डिटरमाइन कर सके, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तो इस तरह की डिपेंडेंसी को हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का नाम देते हैं। जैसे दोस्तों, ये एक पर्सन का टेबल है जिसमें NIC कार्ड नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके जरिए हम उस टेबल के तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। कि अगर हमें पर्सन का नेम मालूम करना है तो वो भी हम इस कार्ड नंबर के जरिए डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें एड्रेस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मालूम करनी पड़े तो वो भी इस एक एट्रीब्यूट के जरिए, यानी इस कार्ड नंबर के जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी वी कैन से कि दिस कार्ड नंबर फुली डिटरमाइंस ऑल द एट्रीब्यूट्स इन द टेबल। इसीलिए यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी अकर करती है, क्योंकि दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल डिपेंडेंसी, इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन यूनिकली डिटरमाइंस एन अदर एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। और दोस्तों, इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि यानी वो टेबल जिसके जरिए हम इन तीनों एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, और वो एट्रीब्यूट जो कि डिपेंडेंट है इस कार्ड नंबर पर वो राइट हैंड साइड पर लिखे जाएंगे। और दोस्तों, ये जो कार्ड नंबर है ये इस टेबल की प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट के जरिए हम हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि ये राइट हैंड साइड पर जो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं वो कहलाएंगे नॉन की एट्रीब्यूट। तो दोस्तों, ये चीज कहलाती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, जब तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स पूरी तरह डिपेंडेंट हो अपने की एट्रीब्यूट पर। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारी प्राइमरी की सिंगल एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है, लेकिन दोस्तों, अगर हमारी प्राइमरी की एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल हो, यानी कंपोजिट प्राइमरी की हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, जिनमें केस नंबर वन के मुताबिक इफ अ नॉन की एट्रीब्यूट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द होल कंपोजिट की, देन इट इज कॉल्ड फुल डिपेंडेंसी। कि अगर एक टेबल के तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स उस टेबल के की एट्रीब्यूट्स पर फुली डिपेंडेंट करते हो, तो इस तरह की डिपेंडेंसी को हम फुल डिपेंडेंसी का नाम देते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक टेबल है रिजल्ट के नाम से, और जिसमें हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और मार्क्स, और इन तीनों एट्रीब्यूट्स में से स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी की एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये जो मार्क्स का एट्रीब्यूट आपको नजर आ रहा है जो कि एक नॉन की एट्रीब्यूट है, ये इन दोनों कीज पर फुली डिपेंडेंट करता है। यानी अगर आपको किसी स्टूडेंट के मार्क्स को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए आपके पास कोर्स आईडी के साथ साथ स्टूडेंट आईडी का होना भी जरूरी है, तभी आप एक स्टूडेंट के स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मार्क्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी आप ये मान लें कि इन दोनों में से कोई एक की के भी जरिए आप मार्क्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जब तक कि आपके पास ये दोनों कीज मौजूद नहीं होंगी तब तक आप इन मार्क्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यानी यहाँ ये मार्क्स का एट्रीब्यूट
क्योंकि नॉन की एट्रीब्यूट है, ये तभी आइडेंटिफाई हो सकता है जब हमारे पास दोनों कीज एट्रीब्यूट मौजूद होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन को फुल डिपेंडेंसी का नाम दिया जाता है और इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम की एट्रीब्यूट को लिखेंगे जबकि राइट हैंड साइड पर हम नॉन की एट्रीब्यूट को लिखेंगे। तो दोस्तों क्योंकि ये मार्क्स जो है वो कोर्स आईडी पर भी डिपेंड करता है और स्टूडेंट आईडी पर भी डिपेंड करता है, यानी एक टेबल की कंपोजिट की के दोनों पार्ट्स पर फुली डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको फुल डिपेंडेंसी का नाम दिया जाता है। और दोस्तों फुल डिपेंडेंसी के बाद आती है पार्शियल डिपेंडेंसी यानी केस नंबर 2। और अकॉर्डिंग टू द केस नंबर 2 इफ अ नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ओनली वन पार्ट ऑफ द कंपोजिट प्राइमरी की देन इट इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। यानी दोस्तों पार्शियल डिपेंडेंसी तब अकर होती है जब हमारे टेबल में कंपोजिट प्राइमरी की मौजूद हो, यानी हमारी प्राइमरी की एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल हो और उस टेबल के नॉन की एट्रीब्यूट्स पूरी कंपोजिट की के बजाय उसके किसी एक पार्ट पर ही फुली डिपेंडेंट हो। तो ऐसी सूरत में हमारे टेबल में जो डिपेंडेंसी अकर होगी वो कहलाएगी पार्शियल डिपेंडेंसी। दोस्तों ये एक टेबल आर है जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी और डी, और ए बी को अगर हम इस टेबल की कंपोजिट प्राइमरी की कंसीडर कर लें तो की एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर रख दिए और नॉन की एट्रीब्यूट्स सी और डी हमने राइट हैंड साइड पर रख दिया। और अगर यहाँ सी जो कि फुली डिपेंडेंट है ए बी पर, लेकिन डी जो कि सिर्फ और सिर्फ, यानी ये जो डी है ये सिर्फ और सिर्फ बी पर डिपेंडेंट, यानी दोस्तों ये जो सी है ये फुली डिपेंडेंट है बी पर भी और फुली डिपेंडेंट है ए पर भी, यानी आपकी पूरी कंपोजिट की पर ये पूरा डिपेंड करता है। तो ये कहलाएगा कि सी जो है वो फुल डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है, जबकि अगर हम डी की बात करें तो डी सिर्फ और सिर्फ इस कंपोजिट प्राइमरी की में से बी एट्रीब्यूट पर फुली डिपेंडेंट करता है। तो अब वी कैन से कि इस टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है कि अब इस टेबल के नॉन की एट्रीब्यूट इस कंपोजिट की के दोनों पार्ट्स पर फुली डिपेंडेंट नहीं है, विच मींस कि इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी अकर करती है। और दोस्तों यही चीज सेकंड नॉर्मल फॉर्म डिनाई करती है। इस सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल में किसी किस्म की कोई पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमें दरअसल इस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है। तो यहाँ हम एक रिलेशन को, एक टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड करते हैं, यानी अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से पार्शियल डिपेंडेंसी को एक टेबल से रिमूव किया जाता है। तो उसका तरीका ये है कि आप एक टेबल को सब डिवाइड करेंगे दो टेबल्स में, जिसमें पहले टेबल में हम सिर्फ उन्हीं एट्रीब्यूट्स को लिखेंगे जो कि फुली डिपेंडेंट है उस पूरी कंपोजिट की पर, यानी कंपोजिट की के दोनों पार्ट्स पर डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ टेबल R को हमने डिवाइड कर दिया है R1 में, और यहाँ पर इसके इस स्टेप के मुताबिक हमने लेफ्ट हैंड साइड पर अपनी पूरी कंपोजिट की लिखी है और राइट हैंड साइड पर सिर्फ उसी एट्रीब्यूट को लिखा है जो कि फुली डिपेंड करता है इन दोनों कंपोजिट की पर, यानी इस कंपोजिट की के दोनों एट्रीब्यूट्स पर। जबकि दोस्तों दूसरे टेबल में हमने इसको नाम दिया है R2 का, जिसमें हमने उस नॉन की एट्रीब्यूट को लिखा है जो कि कंपोजिट की के सिर्फ एक पार्ट पर डिपेंड करता था और कंपोजिट की के भी सिर्फ हमने उसी पार्ट को लिखा है। जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने एक टेबल को जो डिवाइड कर दिया इस तरह से कि जो हमारा फुली डिपेंडेंट करता था एट्रीब्यूट उसको नॉन की एट्रीब्यूट रखा और की एट्रीब्यूट को हमने जो हमारी कंपोजिट प्राइमरी की थी वही लिखा, जबकि दूसरे टेबल में हमने वो नॉन की एट्रीब्यूट लिखा जो कि पार्शियली डिपेंडेंट था इस कंपोजिट की के उस पार्ट पर जिसका नाम है बी। और दोस्तों R1 में ए बी दोनों प्राइमरी की होंगी, यानी ए बी जो है वो पूरी कंपोजिट प्राइमरी की कहलाएगी, जबकि R2 में बी प्राइमरी की होगी। तो दोस्तों इसको और ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल को सामने रखेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी कंपोजिट प्राइमरी की है और इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी अकर करती है, क्योंकि मार्क्स जो कि नॉन की एट्रीब्यूट है ये तो फुली डिपेंड करता है स्टूडेंट आईडी पर भी और कोर्स आईडी पर भी, लेकिन टीचर का एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ
कोर्स आईडी पर ही डिपेंड करता है। यानी अगर आपको टीचर नेम आइडेंटिफाई करना हो, टीचर नेम डिटरमाइन करना हो, तो उसके लिए आपके पास स्टूडेंट आईडी का होना जरूरी नहीं है, बल्कि कोर्स आईडी के जरिए भी हम टीचर नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विच मीन्स कि यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है। और दोस्तों, हमें इस टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए इस पार्शियल डिपेंडेंसी को दूर करना होगा। पार्शियल डिपेंडेंसी को दूर करने का तरीका ये है कि हम इस एक टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। इसमें टेबल नंबर 1 में हम कंपोजिट की और उन नॉन की एट्रीब्यूट्स को रख देंगे जो कि उस कंपोजिट की पर फुली डिपेंडेंट हो। जैसे यहाँ पर मार्क्स जो है वो कोर्स आईडी पर भी डिपेंडेंट है और स्टूडेंट आईडी पर भी डिपेंडेंट है। यानी अगर आपको किसी स्टूडेंट के मार्क्स को आइडेंटिफाई करना हो, तो उसके लिए सिर्फ कोर्स आईडी जो है वो इनफ नहीं होगी, बल्कि आपको उसके लिए स्टूडेंट आईडी की भी जरूरत होगी। तभी तो आप बता सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट के कौन से कोर्स में क्या मार्क्स आए हैं। जबकि दूसरे टेबल में हम उस नॉन की एट्रीब्यूट को लिख देंगे जो कि उस कंपोजिट की के सिर्फ एक पार्ट पर डिपेंड था, और साथ के साथ उस पार्ट को एज अ प्राइमरी की लिख देंगे। जैसे दोस्तों, यहाँ पर टीचर जो है वो स्टूडेंट आईडी पर डिपेंडेंट नहीं था, तो दोस्तों यहाँ पर ये टीचर सिर्फ और सिर्फ कोर्स आईडी पर डिपेंड था, तो यहाँ पर हमें पार्शियल डिपेंडेंसी नजर आई। तो अब हमने टीचर और कोर्स आईडी को एक अलग टेबल में लिख दिया है, और इस टेबल में हमने कोर्स आईडी को प्राइमरी की कंसीडर किया है। तो दोस्तों, इस तरह से अब ये टेबल जो है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब इन दोनों टेबल्स में कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट किसी भी एट्रीब्यूट पर पार्शियल डिपेंडेंट नहीं है, यानी अब यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, अब वी कैन से कि दीज टेबल आर इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो दोस्तों, ये थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जिसमें एक टेबल में कभी भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और उस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किस तरह से किया जाता है ये हमने सीखा है। अगले लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन की थर्ड फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।